24 उच्च शिक्षा और युवा मामले एवं खेल के संबंध में सदन में चर्चा चल रही है। अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा के मामले में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो क्रांति स्थापित करी है, एक जमाना था, एक दौर था, राजस्थान में 4-5 यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी। इसी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने निजी विश्वविद्यालयों का दौर शुरू किया। आज राजस्थान में कई दर्जन यूनिवर्सिटियां संचालित हैं और पिछले 2 साल में अध्यक्ष महोदय 116 कॉलेज, सरकारी कॉलेज खोलना, कभी यूं लगता था हमारे कोई विधानसभा में कभी कभी सरकारी कॉलेज खुलेगी क्या। धन्य है राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को, इन 2 सालों में 116 सरकारी कॉलेज खोलकर एक नया इतिहास बनाया। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी ने। केवल आम बच्चों का ही ध्यान नहीं रखा, जो हमारे समाज में जो दिव्यांग हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी उन्होंने नवीन महाविद्यालय खोलने की घोषणा करी है। जयपुर में इन्होंने विशेष योग्य जन विद्यार्थी हेतु 2 नवीन विद्यालय खोल रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जयपुर में 200 करोड़ की लागत से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को, हमारे तकनीकी मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे युवा खेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और कौशल विकास की दृष्टि से जो राजस्थान में आईटीआई खोलने का मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है, इस संबंध में अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से तकनीकी मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे दूदू में हमारे भागी तहसील है और भागी पंचायत समिति है। किसी जमाने में कांग्रेस की जब सरकार थी तब हमने एक आईटीआई खुलाई थी, लेकिन वो आईटीआई हमने भागी के लिए खुलाई थी, लेकिन वो अब माधोराजपुरा पंचायत समिति में चले गई, हमारे दूदू माधोराज तहसील में चले गई। अब हमारे विधानसभा की भागी पंचायत समिति में और भागी तहसील में कोई आईटीआई नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि हमारे भागी में एक आईटीआई खोली जाए जिससे हमारे बच्चों को तकनीकी शिक्षा मिल सके। सभापति महोदय, मैं आम जन को आकर्षण रूप से तकनीकी जानकारी देने के लिए जयपुर में जो 200 करोड़ रुपए की राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RCET स्थापित करने की जो घोषणा करी है मुख्यमंत्री जी ने, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय, कोरोना महामारी थी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने और उच्च शिक्षा मंत्री जी ने लॉकडाउन होने के बावजूद भी जो उच्च शिक्षा में इन्होंने COVID-19 का सामना करने के लिए जो तकनीकी क्रांति का प्रसार करने का जो काम किया, विद्यार्थियों को विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और YouTube चैनल के माध्यम से बार बनाए गए और शिक्षकों के जो लेक्चर है उसमें अपलोड किए गए, इससे निश्चित रूप से कोरोना महामारी के बावजूद भी हमारे बच्चों को सीखने का मौका मिला। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में उच्च जैसे भारत सरकार में उच्च शिक्षा का TV चैनल शुरू किया जाए, राजस्थान में आप उच्च जैसे UCG का जो चैनल है पूरे देश में, केंद्र सरकार UCG का चैनल चलता है, इसी तरह मैं चाहूँगा मंत्री महोदय से कि राजस्थान में भी राजस्थान का एक चैनल शुरू किया जाए जिसके माध्यम से गांव-गांव डानी-डानी में उच्च शिक्षा के संबंध में हमारे बच्चों को सीखने का मौका मिले। सभापति महोदय, आज जब विद्यार्थी प्रवेश लेता है पहले उसको ऑनलाइन प्रवेश लेना पड़ता है, फिर छात्रवृत्ति के फॉर्म भरना पड़ता है, फिर परीक्षा परिणाम, इसके अलावा उसको 3 बार फॉर्म भरना पड़ता है। जब किसी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है तो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो 3 बार 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 फॉर्म भरते हैं बच्चों का एक्स्ट्रा पैसा लगता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा जब राजस्थान में आपके प्रवेश फॉर्म भरा जाए उसमें संपूर्ण जानकारी, उसमें अगर एंट्री कर दी जाती है
तो बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैकड़ों रुपए खर्च होते हैं। ई मित्र के माध्यम से मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप हमारे केवल आपको 75% उपस्थिति की जरूरत पड़ती है, केवल एक प्रमाणित करने की जरूरत है। अगर प्रवेश फॉर्म में ये सब मेंशन कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ हमारे बच्चों को बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। सभापति महोदय, राजस्थान में बहुत कॉलेज खोल दी गई है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूँगा, उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अब आप हमें जरूरत है सिर्फ उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की। आज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी जो एक्रेडिटेशन का काम करती है, नेक करती है, ये नेक नेशनल असिस्मेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। मैं चाहूँगा सभापति अध्यक्ष महोदय कि आज गुणवत्ता के मूल्यांकन पर पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय पूर्व मूल्यांकन 50% करती है। आप पूरे देश के जो हमारे हायर एजुकेशन की गुणवत्ता का है वो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं 50% करती है, उसको नेक बोलते हैं। मैं चाहूँगा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि हमारे नेक जो है, जो हमारे उच्च शिक्षा के जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी कॉलेज हैं, इनके गुणवत्ता का ये आधार तय करती हैं। और राजस्थान में इसमें सख्त जरूरत है अध्यक्ष महोदय। 2022 के बाद तो विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है वो तभी अनुदान प्रदान करेगा जब नेक द्वारा उसकी गुणवत्ता के बारे में उसका ग्रेड दे दिया जाएगा। इसलिए आप जो लगातार कॉलेज खोल रहे हैं हम लोग, लेकिन ये नेक के संबंध में मैं चाहूँगा सरकार और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री इसका ध्यान लें। आज राजस्थान में आज एक ग्रेड में केवल एक अलवर में कॉलेज है, और इसके अलावा आज बड़ी बड़ी जगह जैसे भरतपुर हुआ, जैसे दौसा हुआ, बड़े बड़े ज़िले हैं, लेकिन इन कॉलेजों को भी ग्रेड नहीं मिल रही है। मैं सुझाव देना चाहूँगा उच्च शिक्षा मंत्री जी को कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों का एक समिति बनाई जाए, कॉलेजों के संसाधन प्रदान कर नेक की ग्रेडिंग हेतु भेजा जाए ताकि अच्छी ग्रेड प्राप्त कर सके और हमारे जो हमारे कॉलेजों को उसका लाभ मिल सके। इसी तरह मैं कहना चाहूँगा सभापति महोदय कि आज कॉलेज खोल दिए, महाविद्यालय में रिक्त पद हैं, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसके मानदंड के अनुसार छात्र का जो अनुपात बताया है 15 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक बताया है, आज हमारी पोजिशन है 100 अध्यापकों पर एक अध्यापक। इसलिए करीब 3,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप राजस्थान के जो कॉलेज हैं उनमें राष्ट्रदीप मूल्यांकन एवं प्रचारण संस्थान से आप इनकी ग्रेडिंग कराइए और जो पिछड़ रहे हैं उनको वापस उठाने का कार्य योजना बनाइए। अध्यक्ष महोदय मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आज उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, लेकिन अनुदान नए उनमें मापदंड बना दिए गए हैं, और राजकीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा अनुदान के गेट के रूप में दिया जाता है। आज जो नेट है, राष्ट्रीय प्रत्यानन और मूल्यांकन परिषद, ये आज शीशे लेकर 1 करोड़ तक प्रदान करती है, और राजस्थान में जो नेक ग्रेडिंग की स्थिति है बहुत विचारणीय है। अधिकांश कॉलेजों के पास नेक ग्रेड नहीं है। जब नेक ग्रेड नहीं है तो केंद्र सरकार की जो योजना है उसका अनुदान का फायदा नहीं मिलता है। सभापति महोदय, मैं सुझाव देना चाहूँगा कि एक विशेषज्ञ समिति बनाकर राजकीय महाविद्यालय में को संसाधन प्रदान कर अधिकाधिक केंद्र सरकार द्वारा अनुदान भरने के लिए योजना बनाई जाए, और 200 से ज़्यादा राजकीय जो महाविद्यालय हैं इन यदि एक योजना बनाकर कार्य किया जाए तो राज्य के सैकड़ों करोड़ों रुपए का अनुदान प्राप्त हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस निवेदन करना चाहूँगा, रूसा एक अनुदान दिया जाता है, और रूसा के अंतर्गत आधारभूत ढांचे के लिए एक कॉलेज को 2 करोड़ रुपए मिलता है, लेकिन क्योंकि हमारे उसमें एक शर्त है, जो नेक में एक ग्रेड प्राप्त करता है उसको 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये एक ग्रेड नहीं होने के कारण नेक की बी ग्रेड होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में मैं आग्रह करूँ, जैसे हमारे जो कॉलेज हैं जो अनुदान से वंचित हो जाती हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि रूसा का अनुदान से भी हम हमारे कॉलेजों को सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके अलावा सभापति महोदय, जब पिछली कांग्रेस की सरकार थी, जो ग्रामीण शैक्षिक सेवा नियम 210 के अंतर्गत जो शिक्षक थे उनको हमने समावेश किया हमारे सरकारी तंत्र में, और आज उनकी छोटी मोटी पेंशन वगैरह की समस्या है, जो 2004 के बाद जो कर्मचारी जो पेंशन योजना से वंचित हैं उनको मैं चाहूँगा
उस पर विचार करे सरकार। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो व्याख्याता का पद समाप्त कर चुका है और सहायक आचार्य और सह आचार्य के रूप में इंगित कर दिया गया है, इसलिए आज भी लोग व्याख्याता के रूप में कहते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा यूजीसी के जो नियम है सहायक आचार्य और आचार्य उसी के अनुसार आप करना चाहिए। इसके अलावा सभापति अध्यक्ष महोदय, आज जो निजी विश्वविद्यालयों का जो दौर आया है पूरे हिंदुस्तान में भी आया है लेकिन राजस्थान तो सबसे अग्रणी है, इसलिए मैं 2005 के बाद निजी विश्वविद्यालय का दौर लगातार बढ़ रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन संस्थान ने नियमानुसार स्थापना के 6 वर्ष बाद विश्वविद्यालय को अपनी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए नेक से ग्रेड प्राप्त करना चाहिए। जब विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खोल देते हैं और उसमें नए बच्चे हैं, बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह है, नए शिक्षक, नए जो एक्सपर्ट अध्यापक हैं और बहुत ज़्यादा उसकी फीस ले ली जाती है, इसलिए तय कर देना चाहिए राजस्थान में कि जो निजी विश्वविद्यालय अगर 6 साल का उसका समय हो गया है तो कम से कम उसकी नेक की क्रेडिट कराई जाए। जो नेक में ए और बी लेता है उस विश्वविद्यालय को रखा जाए, नहीं इस तो विधानसभा में जिस तरह से हमने विश्वविद्यालय खोले निजी विश्वविद्यालय इसी विधानसभा के माध्यम से ऐसे विश्वविद्यालय को बंद कर देना चाहिए। ये मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूँगा। साहब अध्यक्ष महोदय, जो नई शिक्षा नीति आई उसमें स्वायत्त शासी जो महाविद्यालय है उसको प्रोत्साहन देने की बात करी है। आज राजस्थान में स्वायत्त शासन महाविद्यालय नहीं है, अलवर एकमात्र स्वायत्त शासन महाविद्यालय है और ऐसी स्थिति में जब स्वायत्त शासन विद्यालय नहीं है तो हमारे लोगों को जो नई शिक्षा नीति में हमारे राजस्थान को जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से हमारे लोग वंचित हो जाएंगे। और स्वायत्त शासन महाविद्यालय उसमें वही शिक्षक होते हैं, वही राजकीय महाविद्यालय होते हैं, वही राष्ट्रीय अपने स्वयं का पाठ्यक्रम होता है, स्वयं की परीक्षा लेने की विधि तय करते हैं, शोध का विकास करते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा राजस्थान सरकार का नारा होना चाहिए उच्च शिक्षा तकनीकी क्रांति, क्वांटिटी और क्वालिटी का राजस्थान सरकार का नारा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में दूदू में भी सरकारी महाविद्यालय, फागी में भी सरकारी महाविद्यालय, दूदू में बहुत नवनिर्मित भवन, बहुत शानदार भवन हो गया है लेकिन अध्यक्ष महोदय वह केवल 8 सब्जेक्ट, उसमें 4-5 कमरों में ही पर्याप्त रहता है, 11 बड़े हॉल बने हुए हैं। मैं चाहूँगा मंत्री महोदय से मेरी जो दूदू की महाविद्यालय है उसका क्रमोन्नत किया जाए और उसके आर्ट्स के अलावा वहाँ साइंस और कॉमर्स के भी सब्जेक्ट खोले जाएं। इसी तरह फागी जो मेरी नई कॉलेज खोली है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और उच्च शिक्षा मंत्री जी को, इन्होंने कॉलेज खोल दिए, अध्यापक लगा दिए हैं और बिल्डिंग का जो मामला है, बिल्डिंग भी खनिज वाली योजना में अध्यक्ष महोदय सरकार ने डायरेक्शन दे दिए हैं और मेरे पास पत्र भी आ गया है कि हमने 6 करोड़ रुपए की राशि माइनिंग वाली योजना से जिला फंड से हम आपके यहाँ स्वीकृत कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, हमारे खेल मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। जो खेल के संबंध में आज के नौजवानों का मामला है, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी घोषणा करी है, हर ब्लॉक लेवल पर आप क्या हम आपका ध्यानचंद स्टेडियम बनाएंगे, ये बहुत काबिल तारीफ है। आपने मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इसने आपने 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 इसमें भामाशाहों का पैसा भी जोड़ा है, आपने इसमें एमएलए और एमपी का भी जोड़ा है और हमारा ईएसआर बजट भी जोड़ा है, उतना बजट सरकार देगी ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ। बहुत कामयाब योजना है, आज बच्चे गाँव में प्रैक्टिस करते हैं, रोड पे घूमते हैं, सुबह सुबह जब गांव में जाते हैं 5 बजे बच्चे रेस करते हुए मिलते हैं। बहुत दुआएं देंगे इस राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, इस राजस्थान के गरीबों और नौजवानों के मसीहा अशोक गहलोत जी को, मैं माया आप इसका समर्थन करते हुए आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद।